दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेड़ी वालों और छोटा व्यापार करने वालों को अलग अलग किश्तों का ऋण प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय आवास और शहरी एवं पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी उपस्थित रहे। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत राव कराड़ और पूर्व केंद्र मंत्री एवं सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएम स्वनिधि योजना से मिले आर्थिक मदद के बारे में बताते हुए कहा कि अब तक 80,42,000 लोन दिए जा चुके हैं। आप इस ऐसे वर्ग को बिलोंग करते हो, आप अपना व्यापार चलाने के लिए हर दिन किसी मनी लेंडर के पास जाके ब्याज पे सामान लाते थे और आपका जो लॉकडाउन हुआ शहर में तो आपका तो व्यापार एकदम बंद हो गया और मुझे बड़ी खुशी है और इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेने के बाद ये स्कीम का रोल आउट हुआ और आज कुछ आंकड़े दिए गए, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं। 80,42,000 लोन मिल चुके हैं और जब मैं पार्लियामेंट में किसी स्टार्ट क्वेश्चन में जवाब देता हूं, अगर मान लीजिए एक हफ्ते में दो बार मुझे मौका मिलता है तो रोज मुझे अपने पोर्टल पे जाके देखना पड़ता है कि कितने लाभार्थी बढ़ गए। आज का जो आंकड़ा लेटेस्ट है जो कल परसों तक का होगा, 60,94,000 हमारे बहन भाई हैं जिनको ये लोन मिल चुके हैं। वहीं केंद्र संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वनिधि के साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के फायदे भी गिनाए। जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको ये मालूम था, गरीब माँ का बेटा जब उस पद तक पहुंचता है ना तो उसको गरीबी का दर्द पता होता है। जो खुद चाय बनाने वाले बच्चे के रूप में जिसने चाय बेची हो उसको पता है कि सड़क पर काम करने वाले बच्चों की क्या हालत होती है और परिवार किस तरीके की मुश्किलों से गुजरता है। और यही कारण है कि स्वनिधि जैसी योजना इस देश में आई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस दौरान कहा कि इस योजना का मकसद समाज के कमजोर तबकों का स्वरोजगार के माध्यम से सशक्तिकरण करना है। दोस्तों, समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करना माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। उनका मानना है कि देश का हर व्यक्ति के हाथ में काम हो और कोई भी बेरोजगार न हो। देश के युवा जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर्स बने। पीएम स्वनिधि स्कीम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यही वजह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस स्कीम की निगरानी समय समय पर करते रहते हैं। कार्यक्रम में आए पीएम स्वनिधि योजना के कुछ लाभार्थियों ने मंच से अपने अनुभव भी साझा किए। इसके अलावा अतिथियों ने चयनित लाभार्थी को स्वनिधि की किश्त का प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित भी किया। स्वनिधि योजना हमने पीएम मोदी का लिया और पहले मैं बैगों का दुकान करती थी, उसके बाद जब कोरोना काल आया तो सारे काम धंधे बंद हो गए थे, फिर हमने क्या करा, पीएम स्वनिधि योजना के तहत मैंने पैसे उठाए, फिर हमने चाय पकोड़े से अपना परिवार चलाया और बहुत अच्छा है पीएम मोदी के जो आपने योजना चलाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब आपको बताते हैं पीएम स्वनिधि योजना क्या है। देश के ऐसे छोटे और निम्न व्यापारी जो कोई रेड़ी चलाते हैं या छोटा व्यापार करते हैं तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा ऐसे व्यापारियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए छोटे स्तर पर लोन की सुविधा दी जा रही है।